अरे चूहा चूहा चला गया अंदर। अरे चूहा को निकाल दो नहीं तो अंदर सामान कहीं काट खुट देगा। पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि लड़की खुद बोले कि ये दूध है या दूध का डेयरी। हम बना रहे तुम लोगों के लिए पराठा। तो ये देखिए एक अच्छा पराठा हमारा बनके तैयार है। बताओ भाई कैसा कैसा दुनिया है, नए जमाने का पराठा है। इकलौता मेरा दिल था बोला। अरे यार भूतनी के तो बहुत ढीला आदमी है यार, देखो वो इशारा दे रहा है इसको देखो, अगर मैं रहता ना तो उधर ही। छोटा मत समझा सॉरी मेरा यो। अरे मैडम आराम से, अगर गलती से भी दूध का ठेली फट गई ना तो पूरे जगह दूध दूध ही हो जाएगा। लड़कियां तो मोटी अच्छी लगती हैं, पतली पतली तो माचिस की तीली होती है। लड़कियां मोटी अच्छी लगती है, मैं तो मोटी लड़की को बोलती हूँ भैंस। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर रोड है और ये फ्लावर के नीचे जंकल सोते हैं, इनकी ना टांग टूटी हुई है। अंकल जी खड़े होकर दिखाना एक बार। अरे भाई जोगिंदर तुम क्या चुतिया आदमी हो क्या, जब इसका टांग टूट गया है तो खरा क्या आलवा पसे होगा। शेर सिंगल है क्योंकि शेरनी को शेर नहीं गधे पसंद आते हैं। हाँ जी। और भाई तू तो गिजरा है। अरे धो को करने वाले कितनों ही धो को कर दो, उसका जब भी ऊपर ही नाम चले शेर शेर। और तू शेर? अरे भाई तू कहा है गलत फहमी में है, तू देखने में लगता है एकदम बकरी जैसा। ऐसा ही प्यार बनाए रखो तो भाई तुम्हारी बदौलत से आज काम होगा तुम्हारे भाई को शेर को। काम हो गया? क्या हो गया भाई हमें भी तो बताओ। हम दोनों भाई हमारे बीच में तुम क्या ले हो? पर्सनल बात है क्या? अभी भाई तो गान वगैरह दे दिए क्या? डरते तो हम किसी के पाप से नहीं है, बाकी आपने वो गाना तो सुना होगा ना। अरे मैडम डर भी कैसे जाओगे तुम, हाथी जैसा तो पिछवाड़ा लेके घूम रहे हो, किसी को पर रख दोगे तो खलास वो तो गाया दुनिया ही से गाया।